हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपने किसी भी एडिटर में प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर में वर्क करना आता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रिंटिंग की तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली इन बुकलेट प्रिंटिंग। बुकलेट प्रिंटिंग जैसे इवन ऑट पेज डिज़ाइन को एक बुक फॉर्मेट में रेडी करना, उसमें तो मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स बताऊँगा डैट हाउ यू कैन प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट। इसमें मैं नोट पैड, वर्ड पैड और MS वर्ड के बारे में बताऊंगा कैसे आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करिए और कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए नोटपैड। इसके बाद ये इंटरफेस आएगा कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, ये इसका डायलॉग बॉक्स है प्रिंट का। यहाँ से सबसे पहले जैसे मेरा प्रिंटर ये अटैच है, ऑल में क्लिक करेंगे, प्रिंट करेंगे, जितने भी आपके पेजेस आपने इसमें क्रिएट किए हैं सभी का प्रिंट आएगा। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ कंप्यूटर, इट कैन वर्क वेरी फास्ट, इट कैन वर्क वेरी फास्ट, ऐसे कुछ लाइन्स हैं, इट कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, इट कैन वर्क एक्यूरेटली। ये मैंने कुछ लाइन्स लिखी एक्यूरेटली, सॉन स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लेना सॉन। अब देखिए मुझे सिर्फ इन दो लाइन्स का प्रिंट चाहिए, मैंने सेलेक्ट किया तो आपका सिलेक्शन में ये आएगा, सिलेक्शन में क्लिक करके आप इनका प्रिंट कर सकते हैं। करंट पेज लगा लीजिए, आपके पास 10 पेजेस हैं एंड यू वांट कि आपका जो पेज नंबर करंट है जिस पर आपका कर्सर है उसको सिलेक्ट करना चाहें तो करंट पेज पे क्लिक करके प्रिंट कर देंगे। उसके बाद पेजेस क्या हैं, जैसे हमें कुछ पेजेस का प्रिंट करना है 1, 2, 3, ऐसे आप यहाँ कॉमा डाल के 1, 2, 3 करेंगे और प्रिंट निकाल देंगे तो आपका यह प्रिंट आउट निकल जाएगा। और यहाँ से जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, प्रिंट फाइल करनी है पूरी भी कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो ये था नोटपैड का, कोलेट ऑप्शन आपको मैं नेक्स्ट में प्रोवाइड करता हूँ क्या इसका मीनिंग होता है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट वर्डपैड, वर्डपैड के लिए विंडो और आर की प्रेस करिए कीबोर्ड से और यहाँ पर आप प्रेस करेंगे वर्डपैड, स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए, स्मॉल कैपिटल चलेगा। तो ये है वर्डपैड। अब वर्डपैड में देखते हैं प्रिंट कैसे निकालना है। इसमें भी हमने कुछ लाइन्स लिख ली, कंट्रोल पी किया, देखिए कंट्रोल पी हर एक एडिटर में आपका काम करे, ऑल में सभी का आएगा, सिलेक्शन में जितने के मैंने सिलेक्शन किया उतने का, करंट पेज में जो मेरा बाय डिफॉल्ट करंट पेज जिस पर मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल, पेज ही यहाँ पर एक ही है तो इसलिए और पेजेस शो नहीं हो रहे हैं। पेजेस जैसे मुझे पेज 1, 2, 3 का चाहिए, ऐसे 1 से जैसे मेरे एग्जाम्पल के लिए 10 पेजेस हैं, मुझे चाहिए 1 to 5, 9, 10, ऐसे आपका प्रिंट निकल जाएगा, 1 to 5 का निकलेगा और उसके बाद 9 और 10 का निकलेगा। इसको यहाँ से जितनी नंबर ऑफ़ कॉपी चाहिए आप कर सकते हैं। आप कोलेट क्या है, अगर मैं कोलेट को ओके ना करूँ तो मेरे यहाँ पर पहले फर्स्ट पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, सॉरी 4, 5 कर देता हूँ, यहाँ पर 5 प्रिंट निकलेंगे, सेकेंड के 5 निकलेंगे, थर्ड के 5 निकलेंगे, देन अप टू सॉन। अगर मैं चाहता हूँ सेट वाइज हो, आप यहाँ पर क्लिक कर दिए सेट निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, ऐसे आपके सेट निकलेंगे प्रिंट आउट में। इसको आप प्रिंट कर दीजिए तो इसका प्रिंट आउट आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं MS वर्ड की। MS वर्ड ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करिए और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए तो आपके सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। इसको भी अगर आप देखिए कोई भी एडिटर है उसमें अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी कर दीजिए तो आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये थोड़ा एडवांस है, इसमें सबसे पहले आपको प्रिंटर चूज़ करना पड़ेगा, आप अपनी फाइल को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑल में सारे पेजेस, करंट में जो आपका पेज सेलेक्ट है, पेजेस में जो अभी हमने किया जैसे 1 to 5 का मुझे चाहिए, उसके बाद 9 और 10 का चाहिए, लेकिन आपने इसको डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ कॉमा करना है। और यहाँ से कोलेट ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया था, सिंगल सिंगल चाहिए या सेट चाहिए तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक मैंने स्टार्टिंग में बात की थी बुकलेट प्रिंटिंग की, ऑल कर लेते हैं। बुकलेट प्रिंटिंग देखिए क्या होता है कि पहले आप ऑड पेजेस का प्रिंट निकालेंगे, फिर आप इवन पेजेस का प्रिंट निकालेंगे और बाद में ओके कर देंगे, ये आपकी होती है बुकलेट प्रिंटिंग। ऑल चाहिए, ऑल पे क्लिक करके सभी आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज चाहिए, लिस्ट ऑफ मार्कअप चाहिए, स्टाइल चाहिए, जो जो आपने फॉर्मेटिंग दिया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सारी सेटिंग करके आप ओके कर दीजिए तो आपका जो प्रिंट आउट है वो आ जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस वेज आप नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सिंपल टूल्स है, उसको करके देखिए। कभी भी प्रिंट निकालते हैं सबसे पहले प्रिंट लेआउट में जाकर पेज की सेटिंग कर लीजिए, कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको MS वर्ड ओपन करके बता देता हूँ। आपका जो नोटपैड होता है उसमें प्रिंट आउट
हेल्प से डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रिंट आउट नहीं होता। ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट व्यू है। जैसे ही आपकी प्रिंट व्यू होगी वैसा ही आपका डॉक्यूमेंट का प्रिंट आएगा। जो रेड एंड ग्रीन लाइंस होती हैं फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिक एरर, ये कभी भी आपके प्रिंटिंग में शो नहीं होती। सो ये प्रोसेस करके देखिए, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।